तो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। और एक ना काफ़ी कमेंट आते हैं कि भाई ये बाइक अभी तक स्टॉक है और इसको आपने फुल सिस्टम क्यों नहीं लगवाया। तो गाइस मैं बता दूँ, देखो फुल सिस्टम में जब 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं फुल सिस्टम लगवा दूँगा अपने आप ही, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी जल्दी वीडियो को सब्सक्राइब करो और इसको सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को करो लाइक। और ये खड़ी हुई अपनी Z900। देखो मेरी बैक में भाई थोड़ी सी इंजरी हुई भी है तो मैं उतनी ज़्यादा भी राइड नहीं कर रहा और बाइक भी ऐसी खड़ी हुई है मेरी। तो आज मैं आया था चलाने के लिए तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस पर एक वीडियो बना देता हूँ कि भाई Z900 कावासाकी इतने मतलब पैसे लेने के बाद और ये टायर के देती है, मेरा कैप लटका रहता है ज़्यादातर, ज़रूरत पड़ती है यार कभी बाल ख़राब होते हैं तो ये कैप निकाल के पहन लो कहीं जाना होता है तो। तो गाइस देखो ऑलमोस्ट Z900 11-11.5 लाख, कई बार 12 की पड़ जाती है इंश्योरेंस करवाने के बाद। उसके बाद भाई ये डनलोप के टायर देते हैं और जो कि ये टायर लगा हुआ है ना भाई, ये हार्ड कोर टायर है, ठीक है। दो तरीके के टायर आते हैं, एक तो हार्ड कोर होता है और एक होता है सॉफ्ट कोर टायर, जो कि सॉफ्ट कोर होता है सुपर बाइक्स के लिए और हार्ड कोर टायर होता है आपका जो ड्यूल पर्पज़ के लिए होता है कि आप इसको उसके ऑफ रोड प्लस सिटी राइड उसके लिए आप चला सकते हो। तो ये है हार्ड कोर टायर्स होते हैं, ये देखो दिखने में ऐसे होते हैं, आपको साइडों में लाइंस होंगी तो ये वाले टायर। और ये है डनलोप का टायर और Z9 मतलब मोस्टली कावासाकी यही देती है लगा के डनलोप। और भाई ये टायर आपको सिटी राइड में सुपर बाइक्स के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देता है भाई, क्योंकि ऑफ रोडिंग प्लस उसके पर्पज़ के लिए अभी हम लोग या कोई भी बंदा इसको भगाएगा गाड़ी को तो उतनी अच्छी ना ग्रिप नहीं मिल पाती, क्योंकि ग्रिप बहुत ज़रूरी है। अगर आप सपोज़ आप गाड़ी चला रहे हो 150-200, मैं कहता नहीं भाई किसी को सिटी में इतनी तेज़ चलाओ, पर सुपर बाइक लिए लोग निकलते हैं इसको रॉकेट बनाने के लिए, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत वहीं पर आती है कि जो ग्रिप नहीं बन पाएगी आपकी, कहीं गड्ढा आएगा कुछ आएगा, तो टायर ने स्किड होने की दिक्कत सबसे ज़्यादा होता है और वो ग्रिप नहीं मिल पाती बेस पे जो स्टार्टिंग इनिशियल पे आपको चाहिए होती है। तो सॉफ्ट को टायर आते हैं जो सुपर बाइक में लगते हैं मोस्टली, तो वो टायर लगाओ। और डनलोप का होता है मेरे हिसाब से तो भाई डनलोप का टायर निकाल दो लेने के बाद, क्योंकि ज़्यादा टायर चलेगा नहीं तो थोड़े अच्छे रेट में बिक सकता है बाहर मार्केट में। और मैंने तो ये प्री ओन ली थी तो भाई मुझे तो उसको टायर मतलब चला हुआ ही मिला था, और इसका टायर की मेरे टायर की लाइफ अभी 70% थी जो मैंने बर्न आउट के बाद 50 कर दी है, तो मैं भी चेंज करवाने वाला हूँ थोड़ी जल्दी, तो उससे पहले फुल सिस्टम लगवाना है। तो बस ये वीडियो यहीं तक, शॉर्ट वीडियो थी ये, थोड़ा मतलब एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई थी इंफॉर्मेशन के लिए कि भाई टायर का सबसे ज़्यादा होता है ग्रिप की बहुत ज़रूरत होती है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और 180 सेक्शन का टायर है गाड़ी के अंदर जो दिखने में काफ़ी बड़ा लगता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय, लाइक कर देना, शेयर कर देना।